नेशनल इनकम के जो दूसरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि नेशनल इनकम की कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स क्या होती है, और उन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की जो हम लोगों ने बात की थी उसमें हम लोगों ने तीन कंसेप्ट्स पर ज्यादा कंसंट्रेट किया था, और उन तीन कंसेप्ट्स में था कि नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क जो होता है वो होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। इसके अलावा दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस जो होता है वो डिप्रिसिएशन का, और तीसरी बात जो थी वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। और वीडियो नंबर वन में हम लोगों ने बात की थी कि नेशनल इनकम जो होती है जितने के बराबर प्रोडक्शन होता है उतने के ही बराबर इनकम होती है और उतने के ही बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर हमें नेशनल इनकम पता करना है तो हम चाहे प्रोडक्ट मेथड से यानी सारे प्रोडक्शन को जोड़ लें तो हमें नेशनल इनकम पता चल जाती है, सारी इनकम जोड़ लें तो नेशनल इनकम पता चल जाती है, या सारी एक्सपेंडिचर जोड़ लें तो भी हमें नेशनल इनकम पता चल सकती है, जिसमें से हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड के बारे में पहले डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो इनकम मेथड है उसके ऊपर बात करते हैं। इनकम मेथड में जब हम लोग जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए हम जितनी भी तरह की इनकम होती है किसी भी देश में, यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम पर लगे होते हैं, उन फैक्टर्स ऑफ इनकम को जितनी भी तरह से इनकम जो प्राप्त होती है वो सारा जीएनपी थ्रू इनकम मेथड निकालने में कैलकुलेट करते हैं, और इसके अलावा भी कुछ चीजें और होती हैं उसमें जोड़ी जाती है। तो उसमें क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं ये हम लोग देखते हैं पहले। तो उसमें जोड़ने के लिए होता है इनकम मेथड में सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं, यानी जीएनपी थ्रू इनकम मेथड जब हम कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस थ्रू इनकम मेथड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं, जैसे पहले वेजेस एंड सैलरीज, दूसरी यानी वेजेस एंड सैलरीज इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसमें जोड़ा जाता है, प्लस रेंट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस डिविडेंड, प्लस यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जैसे जिसको जो लेबर होती है उनको वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं, रेंट मिलता है, फिर इसी तरीके से कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर रहता है उसे प्रॉफिट मिलता है, जो प्रॉफिट उसे डिविडेंड की सूरत में मिलता है, और कुछ प्रॉफिट ऐसा होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे, प्लस टैक्स ऑन प्रॉफिट। ये सारी चीजें इनकम मेथड में जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ी जाती हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं, जैसे सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर, प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। ये भी जब हम लोग जीएनपी थ्रू इनकम मेथड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जोड़ देते हैं। इसके अलावा मिक्स्ड इनकम, प्लस सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर, प्लस वैल्यू ऑफ गुड्स केप्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस
प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हम लोग जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट कर देंगे, मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए नेट इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इसमें जोड़ देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन क्योंकि हम लोग ग्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए डेप्रिसिएशन भी इसमें जोड़ दिया। इतनी सारी चीजें जोड़ने के बाद हमको जो मिलता है वो होता है जीएनपी थ्रू इनकम मेथड, यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस थ्रू इनकम मेथड। इसके अलावा भी कुछ चीजें जब आप प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो कुछ तरह की और इनकम आएंगी, उनके नाम बदल बदल कर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा माइंड अपना कि ये जो आइटम्स हैं क्या ये इनकम मेथड के आइटम हैं, इनसे किसको इनकम मिल रही है। अगर वो किसी तरह से इनकम का आइटम है तो वो सारे आइटम जो इनकम के आइटम है वो सारे जीएनपी थ्रू इनकम मेथड कैलकुलेट करने में जोड़ दिया जाए। अब यहां पर इनकी थोड़ी सी हम लोग डिटेलिंग में बात कर लेते हैं। जैसे पहली बात है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज का मतलब ये हुआ कि जो मॉनेटरी टर्म्स में किसी को वेज दे रहे हैं वो तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में जुड़ेगा ही, या सैलरी दे रहे हैं वो तो जुड़ेगा ही, साथ में मान लीजिए उसे कुछ इंसेंटिव मिल रहे हैं, कुछ उसको अलग से और कोई पेमेंट हो रहा है प्रमोशन के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए उसी किस तरह का कोई पेमेंट हो रहा है, या मान लीजिए उसको रेजिडेंस के लिए मकान मिला हुआ है, या मान लीजिए उसको गाड़ी मिली हुई है उसके लिए उससे खर्चा मिल रहा है, पेट्रोल के एक्सपेंसेस मिल रहे हैं, या उसके बच्चे की स्कूल की फीस है, या उसके बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए गाड़ी मिली हुई है, या घर में इलेक्ट्रिसिटी जहां वो रह रहा है वो कंपनी की तरफ से फ्री है, तो वो सब भी वेजेस का ही पार्ट होंगे। जब हम लोग जीएनपी थ्रू इनकम मेथड कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस पर तो हम वेजेस एंड सैलरीज में सारे आइटम भी जोड़ देंगे। रेंट, रेंट क्या है कि मान लीजिए किसी के पास में एक मकान है और उसमें दुकान भी है नीचे, तो अब उसने दुकान तो किराए पर उठा दी है, तो जो उसका किराया मिल रहा है वो तो उसका हो ही गया रेंट, और जिस मकान में वो रह रहा है उसका जो एस्टिमेटेड किराया होगा, अगर वो उसका अपना मकान ना होता तो वो कहीं और रह रहा होता तो वो उसका किराया देता, तो इसलिए जिस मकान में वो रह रहा है उसका जो एस्टिमेटेड किराया होगा वो भी जीएनपी कैलकुलेट करने में रेंट के तौर पर जुड़ जाएगा। इंटरेस्ट, किसी के पास में जो पैसा है उसने उससे उसको कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पर जो उसे ब्याज मिल रहा है वो जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ लिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने अपना पैसा अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस बिजनेस से जो उसे एस्टिमेटेड इंटरेस्ट होगा वो लेगा, और वो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट जो है वो जीएनपी थ्रू मार्केट प्राइस, जब जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे थ्रू इनकम मेथड तो वो उसमें जोड़ लिया जाएगा। इसके अलावा अब यहां पर तीन चीजें एक साथ हम लोग क्लब कर लेते हैं, जैसे डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है एंड टैक्स ऑन प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी का वो प्रॉफिट के तीन हिस्से, प्रॉफिट के तीन हिस्से हो जाते हैं। प्रॉफिट एक हिस्सा तो डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को बढ़ जाता है, एक हिस्सा जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के तौर पर, प्रॉफिट के तौर पर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में चला जाता है, और तीसरा होता है जो टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को चला जाता है। मान लें अगर फॉर एग्जांपल के 1000 का प्रॉफिट हुआ है और उसमें से 400 रुपए यानी 40% डिविडेंड दे दिया गया, 400 रुपए डिविडेंड दे दिया गया, 300 रुपए यानी 30% टैक्स दे दिया गया, यानी 300 रुपए टैक्स दे दिया गया, तो अब बाकी कितना बचा 300 रुपए, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के तौर पर कंपनी के अकाउंट्स में पड़ा रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो इस तरह से हम देखें कि डिविडेंड जो प्रॉफिट है उसके तीन हिस्से हो गए, पहला डिविडेंड, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और तीसरा टैक्स ऑन प्रॉफिट है। तीनों प्रॉफिट के हिस्से लेकिन इनको तीनों अलग अलग करेंगे, क्योंकि जब हम लोग आगे और चीजें कैलकुलेट करेंगे पर्सनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें इनको अलग करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग यहां पर पूरे प्रॉफिट को जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ते हैं लेकिन उनके हेड्स अलग अलग होते हैं। इसके बाद में आती है एक बात और, सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर। ये सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर क्या होता है, कंपनियां दो तरह की होती हैं, एक जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं और एक जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं। जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं जैसे हिंदुस्तान में इंडियन रेलवे हो गया,
बैंक्स हो गए बहुत बड़े बड़े जिसमें उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, पेट्रोलियम कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेलवे का एग्जाम्पल ले लें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी है, रेलवे का एग्जाम्पल ले लें, रेलवे की कुछ ना कुछ इनकम होती है। तो ये इनकम जो होती है ये किसको मिलती है, ये रेलवे की इनकम जो होती है ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, और इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आती है। तो ये सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, या और दूसरी तरह की जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, वो सारी गवर्नमेंट कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती हैं, बैंक्स वगैरह, ये सारी सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर की इनकम होती है, और ये भी जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ ली जाती है। फिर उसके बाद में एक चीज आती है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जो लोगों की इनकम होती है, जैसे जो सैलरी मिल रही है, ये सैलरी पूरी हमें मिलती नहीं, इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो प्रोविडेंट फंड में कट गया या इंश्योरेंस के लिए काट लिया गया। और मान लीजिए किसी की इनकम 10,000 रुपए है, सैलरी 10,000 रुपए है, लेकिन उसमें से 10% जीपीएफ में काट लिया गया। अब उसके पास में कितना बचा, उसके पास में इसका 10% यानी 1,000 रुपए माइनस कर दिया, बचा कितना 9,000 रुपए। अब ये 9,000 रुपए जो आया है ये उसको कैश उसके हाथ में आया, अब 1,000 रुपया ये कट गया, तो ये कहां चला गया, जीपीएफ में चला गया। ये भी उसकी एक इनकम है जो बाद में उसे मिलेगी, तो है तो वो उसकी इनकम। तो इसलिए जब हम ये 1,000 रुपए जो है ये कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी है, ये भी जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जोड़ लिया जाता है। मिक्स्ड इनकम, अब ये मिक्स्ड इनकम क्या है, मिक्स्ड इनकम वो है कि ऐसे लोग के ना जिनको सैलरीज मिलती है, ना वेजेस मिलते हैं, ना प्रॉफिट मिलता है, ना डिविडेंड मिलता है, ना रेंट मिलता है, ना इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन फिर भी उनकी इनकम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेंडर्स हैं, टेम्पो चलाने वाला है, मजदूरी करने वाले लोग हैं, या जिनका अपना सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं, सीएस हैं, तो इन लोगों का क्या होता है कि ये लोगों को दिन भर इन्होंने काम किया, इनको शाम में इन्होंने वकील साहब गए उन्होंने काम किया और उसके बाद में फीस के तौर पर उन्होंने 50,000 रुपए ले लिए। डॉक्टर साहब ने दिन भर बैठे क्लिनिक पर, शाम को वो 5,000 रुपए लेके उठे हैं। तो अब या मान लीजिए किसी की अपनी दुकान है, किसी ने अपना ठेला है, वो चला रहा है, उसमें 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए रोज कमा रहा है, तो वो उसकी इनकम है। तो वो इनकम कहां जोड़ी जाएगी, जाएगी वो जाएगी सारी मिक्स्ड इनकम में, और ये भी जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ ली जाएगी। तो इसमें सारी तरह की जो इनकम्स होती हैं उनको हम क्लब करके मिक्स्ड इनकम कह लेते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद में वैल्यू ऑफ गुड्स केप्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये वैल्यू ऑफ गुड्स केप्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यहां सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर 2 बार आ गया है इसलिए इसमें से एक हम हटा देते हैं। अब क्या है वैल्यू ऑफ गुड्स केप्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये वैल्यू ऑफ गुड्स केप्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन क्या चीज है, वैल्यू ऑफ गुड्स केप्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मान लीजिए कोई किसान है और किसान ने 10,000 रुपए का की उपज की यानी गेहूं उत्पादित किया, मान लीजिए वीट उसने उत्पादित किया, और ये गेहूं उसने कितने का उत्पादित किया, मान लीजिए उसने 10 क्विंटल गेहूं उत्पादित किया एट द रेट ऑफ 1,000 रुपीज पर क्विंटल, तो उसका टोटल प्रोडक्ट कितने का हुआ, 10,000 रुपए का हुआ। अब वो इस 10,000 रुपए के प्रोडक्ट में से उसने 5 क्विंटल गेहूं मार्केट में बेच लिया, मार्केट में बेच लिया और उसको कितना मिल गया, 5,000 रुपए उसे प्राप्त हो गए। बाकी का 5 क्विंटल गेहूं जो है, 5 क्विंटल गेहूं उसने अपने पास रख लिया। अब ये 5 क्विंटल गेहूं कहां जाएगा, ये 5 क्विंटल गेहूं उसने इसलिए रखा है कि इससे वो साल भर वो और उसकी फैमिली खाएगी। बेचा उसने कितने का, 5 क्विंटल 5,000 का, और 5 क्विंटल 5 जिसकी कीमत 5,000 थी उसने अपने पास रख ली। तो ये जो उसने अपने पास रख लिया है गुड्स केप्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन कहलाएगा, इसकी भी 5,000 रुपए मार्केट वैल्यू है। तो ये 5,000 रुपए मार्केट वैल्यू भी जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ ली जाएगी थ्रू इनकम मेथड। फिर उसके बाद में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको मालूम ही है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पर आपको एक चीज बता देना बहुत जरूरी है, पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने बात कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की थी तो वहां हमने दोनों बातें आपको बताई थी, जब हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो हमने आपको दोनों बातें बताई थी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट
भी जीएनपी कैलकुलेट करने में जोड़ लिया जाता है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जोड़ लिया जाता है। अब यहां पर ये चीज कंसेप्चुअल, ये कंसेप्ट की बात की थी हमने, तो कंसेप्ट में वहां हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, दो अलग अलग मेथड्स की बात करते हैं, तो जब हम लोग इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम मेथड में जब हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इनकम मेथड में इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ी जाएगी सिर्फ, यानी जितनी इनकम है वो जोड़ी जाएगी। जबकि एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम लोग जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जोड़ा जाता है, यानी ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। अभी तक क्या था, कंसेप्ट की बात, ये कंसेप्ट ये हो गया कि जीडीपी और जीएनपी में दोनों में डिफरेंस क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का भी डिफरेंस है और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का भी डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस है। लेकिन चूंकि जितना प्रोडक्शन है उतने के ही बराबर इनकम है और उतने के ही बराबर एक्सपेंडिचर है, तो इनकम मेथड में जब हम जोड़ेंगे, इनकम मेथड से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ इनकम की मद ली जाएगी। तो इनकम की मद क्या हुई, इनकम की मद हुई नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ एक्सपेंडिचर की मद ली जाएगी, तो वहां एक्सपेंडिचर की मदों में हम सिर्फ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे जोड़ेंगे अगर जीडीपी में, तो हमको जीएनपी मिलेगा। यहां पर इस दोनों चीजों को बहुत ध्यान से रखिएगा कि जब इनकम मेथड कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं जुड़ेगा जीएनपी में, जीडीपी से जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे। और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड में जाएंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ जीएनपी कैलकुलेट करने में के लिए जीडीपी में सिर्फ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जोड़ा जाएगा, वहां नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ी नहीं जाएगी। तो दोनों बातें अलग अलग। तो अब यहां पर आ गई कि यहां जब हम लोग इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ा जाएगा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ लिए जाएंगे क्योंकि हम लोग मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन भी जोड़ लिया जाएगा क्योंकि हम लोग यहां जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ग्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब इस तरह से हम लोग देखें कि इतनी सारी चीजें जब जोड़ ली जाती हैं तो हमको जीएनपी एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। अब इसका एक प्रॉब्लम हम लोग लगाते हैं और इस प्रॉब्लम को लगाने पर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग इनकम मेथड का, तो ये एक प्रॉब्लम है इनकम मेथड की, और इसमें कहा गया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जीएनपी एट मार्केट प्राइस सॉल्व कर लें। जीएनपी इसलिए हम लोग सॉल्व करेंगे कि शुरुआत में जब आप एक दो पहला दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं तो आप हमेशा जीएनपी एट मार्केट प्राइस सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद जीएनपी से आपको चूंकि कंसेप्चुअल सवाल आप लगा चुके हैं तो आप जीएनपी के बाद आपको जीडीपी कैलकुलेट करने में या जीडीपीएससी कैलकुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग पहले यहां जीएनपी एट मार्केट प्राइस थ्रू इनकम मेथड कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जितना जीएनपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड से जितनी भी तरह की इनकम होती है वो सारी इनकम जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने में जोड़ दी जाती है। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो इसको कैलकुलेट करने में हम सारी प्रकार की इनकम जोड़ लेंगे। जैसे पहली इनकम हो गई मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम हमने इसमें ले ली, मिक्स्ड इनकम प्लस अभी हो गई मिक्स इनकम हमारी, फिर रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये भी एक प्रकार की इनकम है, रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, फिर इसके बाद में हम देखें तो तीसरी प्रकार की इनकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, तो ये हम लोग कर लेंगे कंपनसेशन अब चूंकि हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए ग्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, एफपीएस में डेप्रिसिएशन भी जुड़ा होगा, तो यहां कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है यही डेप्रिसिएशन होता है, तो ये नाम बदल बदल कर दिया हो सकता है डेप्रिसिएशन को, तो यहां कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की सूरत में दिया हुआ है, तो यहां हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी इसमें जोड़ लेंगे क्योंकि हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए डेप्रिसिएशन जुड़ना जरूरी है। तो अब यहां कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जुड़ गया,
कैपिटल ले लिया गया, प्लस अब चूंकि हम लोग ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी जोड़ लेंगे, जिसमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी जोड़ लिया गया, एब्रॉड भी जोड़ लिया गया, प्लस चूंकि मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जोड़ लेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब वैल्यूज लिख लें, मिक्स इनकम कितने की है, मिक्स इनकम है 282,670 प्लस रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है 96,370 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 244,200 प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन ये कितने का है 40,460 प्लस इसके अलावा अब आती है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -2,550 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे 88,370 माइनस 11,200 तो ये आ गया हमारा 77,170। इन सबको जब हम लोग जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ने के बाद जो हमें मिलता है वो है हमारा जीएमपी एट मार्केट प्राइस, और इसका जब हमने सारे का टोटल किया तो इसका टोटल आता है 738,320। ये हुई जीएमपी एट मार्केट प्राइस। अब जीएमपी एट मार्केट प्राइस जब हमको पता चल गई और हमें पता क्या करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस और डोमेस्टिक में क्या फर्क होता है, ग्रॉस और डोमेस्टिक यानी नेशनल और डोमेस्टिक में क्या फर्क होता है, जीएमपी और जीडीपी में क्या फर्क होता है। तो अगर हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता करना है तो जीएमपी एट मार्केट प्राइस में से क्या चीज घटा देंगे, हाँ इसमें से हम घटा देंगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटा देंगे। अब ये है 738,320 माइनस में है 2,550 तो ये इसमें जुड़ जाएगी, यानी 738,320 प्लस 2,550 जब ये जोड़ दी तो ये आ गई 740,870। किस तरह से ये हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल आई। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लें, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको मालूम है और आपको पता करना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस है वो कहां का है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। तो यानी कि मार्केट प्राइस पता करने के लिए फैक्टर कॉस्ट में जब हमको फैक्टर कॉस्ट पता करना है तो फैक्टर कॉस्ट पता करना है और फैक्टर कॉस्ट पता करने के लिए मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इनकम फ्रॉम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए जाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कितने निकल के आए 77,170 तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आइए 740,870 माइनस 77,170 इज इक्वल टू इसको हम लोग 663,700। तो इस तरह से हमारी ये आ गई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। पहले हम कैलकुलेट करेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस से हम कैलकुलेट कर लेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस और फिर उसके बाद में एनएनपी एट मार्केट प्राइस से हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमको पता चली है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस है 738,320, इससे हम लोग पता कर ले एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस
डेप्रिसिएशन होता है, जो कि यहां कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दिया हुआ है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन नाम से घटा देंगे, ये हो गया। इसे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी ये दिया हुआ है, इसको हम लोग घटा देंगे। तो अब जीएनपीएट मार्केट प्राइस है 738320 माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है 40460। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेट होने के बाद आया 697860, 697860। अब ये आ गया हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस से अब हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लें और जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं ये कैलकुलेट कर लें। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू हुआ एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो है हमारा, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए जाए तो हमें पता चल जाएगा 69860 माइनस 697860, 697860 माइनस ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गए हैं 77170 इज इक्वल टू जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये सॉल्व होने पर आया 620690। ये हमारा नेशनल इनकम है। तो इस तरह से हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लिया। तो जो ये इनकम मेथड का हमको सवाल दिया था, इस इनकम मेथड के सवाल से हमने इस तरह से इसको लगाया और इनकम मेथड से हमको जीएनपी एट मार्केट प्राइस और उसके अलावा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम पता करेंगे। तो इस तरह के सवाल आप कुछ और लगाइएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे नेशनल इनकम की कुछ और प्रॉब्लम्स के। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। थैंक यू।